प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय रोनी कोट बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं, आज हम आपके सामने एक अपना अनुभव साझा करेंगे कि मैंने एक आरटीआई लगा के जानकारी हासिल करी कि दिल्ली पुलिस के अंदर अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो एक ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले एक शपथ पत्र फाइल करता है, मतलब शपथ लेता है। इसमें होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पुलिसकर्मी अपना नाम बताता है, जिसके अंदर वो प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्चा और सच्ची निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूँगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँगा। मैं पुलिस सेवा में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूँगा। पवन जल भूमि में जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी न्याय संगत आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, यद्यपि उसमें मेरे प्राण जाने का भी भय हो। जय हिंद। तो साथियों, आज आपके सामने ये हम शपथ पत्र के बारे में हमने चर्चा करी। अगर आपको लगता है कि पुलिस के किसी भी अधिकारी द्वारा ड्यूटी के दौरान अगर वो इस शपथ पत्र का उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ उनके क्षेत्र के डीसीपी या पुलिस कमिश्नर या गृह मंत्रालय के होम सेक्रेटरी या संबंधित न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं उसके इस आचरण के खिलाफ। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।